सब पैकअप कर दिया इधर फिर से। अभी आज फोर्थ डे है गाइस, तो अभी त्र्यंबकेश्वर से निकल के हम जा रहे हैं घर पे। तो अभी जीजा जी अंकलेश्वर चले जाएंगे, सरप्राइज एक है, एक दूसरा ट्रैवलिंग प्लान है, तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। जो अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा ना तो मालूम पड़ गया होगा आपको, ठीक है। मस्ती में नहीं उस दिन बोल रहे थे हम, तो आपने बोला था, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको जानना है तो अभी दो दिन के बाद बुलावा आया है फिर से, समझ लीजिए। तो देखते हैं, अभी है ना सब सेटअप कर दिया है, तो अभी निकल रहे हैं सचिन के लिए। तो चलो गाइज, अभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम्हें लोगों तो क्या बोलो, एक्साइटमेंट हो जुड़ी, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज, चलो लेट्स रॉक, आ जाइए। मोमबत्ती बुझ जाती है ना फिर फूक मारती है ये। चलो गाइज, अभी आज का दिन लास्ट है, अभी निकलते हैं हम डायरेक्ट घर पे। अभी देखते हैं, बहुत वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि है ना कल का वीडियो एडिट नहीं किया है, तो उसको भी पहले तैयार करना पड़ेगा, बाद में ये वाला तैयार होगा, तो आज का वीडियो नहीं आएगा। आज कौन सी तारीख है, 5 तारीख का वीडियो नहीं आएगा, तो 5 तारीख का वीडियो, 4 तारीख का वीडियो 6 तारीख को आएगा। ओके गाइज, तो फिर देखते हैं, अभी सब बहुत ओचपोच हो जाएगी मेरे को भाई साहब, तो आज की ही तारीख में मेरे को 2 वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड कर दूंगा फिर टाइम सर, उसको एडजस्ट कर दूंगा मैं, अपलोड नहीं एडिट करके उसको सेट कर दूंगा यूट्यूब पे। तो चलो, अभी गर्मी लग रही है तो निकलते हैं भाई, अभी मजा आएगा, लास्ट राइड है इस ट्रिप की। ओके गाइज, तो वी आर मूविंग टू हियर फाइनली, अभी निकल रहे हैं, अभी सब सेटअप कर दिया। चलो तो जय त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर भगवान, अच्छे से अभी घर पे पहुंचा देना। चलो गाइज निकलते हैं, ये रहा त्र्यंबकेश्वर का बोर्ड, और ये वाला रोड जो बस जा रही है ना वहाँ पे सीधा मंदिर है गाइज। फोन किया जीजा जी, आगे निकल गए, ये रहे गाइज, क्या बोलते हो भाई साहब, आगे लो तो थोड़ा, चलो जैकेट वैकेट पहन के, बहुत गर्मी होती है इसमें, वो ट्रिप ये है ना, हाँ इसमें सब ग्रिप होता है और हाँ वो पूरा रबर का रहता है, अपने को प्रोटेक्शन मिलता है इसमें, लेकिन वो अलग से भी आते हैं, अलग से आते हैं पर वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन गर्मी के दिनों में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर भी हम शौक है तो सब करना पड़ता है सर जी, थैंक यू। कितने लंबे से आ रहे हो, तो भीमा शंकर से आए हम, सूरत से, सूरत से, अभी तक का 800 किलोमीटर राइड किया, अच्छा अच्छा 800 किलोमीटर, हाँ अभी जा रहे हैं घर, कितना देती है एवरेज, है 40 की दे देती है, बुलेट के, हाँ बुलेट तो कम देती है, बुलेट 35 की देती है। थैंक यू सर, मिलते हैं, हाँ तो गाइज ये सर है ना पूछ रहे थे कि ये गर्मी नहीं लग रही क्या आपको, मैंने बोला कि शौक के आगे क्या है, आपने सुना ही ना, तो ऐसा अच्छा लगता है कि पुलिस वाले सर भी हमको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे गाइज है ना, पूरे डॉक्यूमेंट और साथ में हेलमेट कैरी करोगे ना, तो राइडर तो क्या है कि ये सब करता ही है, तो उन लोगों को मालूम ही है कि तो सबके पास प्रूफ वे सब होता ही है। तो चलो अभी निकलते हैं भाई सब। सो गाइज वैसे भी है ना ये जैकेट हम पहनते हैं ना, तो जब बाइक चलते हैं ना तब हमको है ना ऐसी गर्मी नहीं लगती, अब रुकते हैं पेट्रोल भराने के लिए, सुसु करने के लिए, तो बहुत अंदर है ना पसीना पूरा ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता है, तो जब रुकते हैं तब पसीना होता है, बाकी तो अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। जैकेट का तो मेरे को है ना शौक था ही पहले से, धीरे धीरे करके ग्लव्स लिए ये वाले, फिर सब लिया मैंने जैकेट और सब। वो मांगी टूंगी वाली राइड है ना, वो मेरी सबसे क्या बोलते हैं उसको, वो एक्सपीरियंस अच्छा था मेरे को। तब मैं ना गाइज वो हेलमेट लेके ही गया था, और वो भी हेलमेट है ना सादा था, तब तो नया नया शौक था ना, शौक तो पूरा ना, तब तो राइड का नया नया एक पार्ट था, मेरे को करना ही था, पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, पर वो वाला ग्रुप अभी मालूम नहीं है यार, वो ग्रुप है ना राइड करने के लिए जाते हैं पर मेरे को इन्फॉर्म नहीं करते, अभी क्या मालूम अभी क्या हुआ होगा उन लोग को कि मेरे को लेके नहीं जा रहे। बाकी वो अच्छे हैं सब भी, वो ग्रुप में मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि जो मांगी टूंगी की राइड मैंने फर्स्ट बार करी थी ना
तब मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ अभी कर सकते हैं ऐसा। फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं राइडर ही बनूंगा भाई साहब, और राइडर के साथ ब्लॉगर। तो गाइस देखते हैं अभी कहाँ लेके चलती है लाइफ अपनी ये M80, है ना, अच्छी है ना गाइस ये M80 है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है भाई साहब। चलो अभी वीडियो लंबी बन जाएगी और हमको लंबी वीडियो बनाने पसंद नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि सब दिक्कत वाली चीज़ है और आपको पसंद भी नहीं है। आप मेरे को मालूम है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते होगे। तो गाइस प्लीज़ आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए और बिना स्किप किए, तो अपने को अच्छा है क्या कि इसमें ना रीच अच्छी आए, इसीलिए तो अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। तो त्र्यंबकेश्वर से निकल के हम जाएंगे धर्मपुर वाले रास्ते से, और वहाँ से जाएंगे हम वलसाड़ से होके डायरेक्ट हाईवे पे। ओके गाइस भाई, जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, अच्छा लग रहा है ना। भाई फिर है रितु, उसके लिए गिफ्ट कर दिया वो वाला पहाड़ दे रहा, उसका फेस इधर देखेगा, वो वाला पहाड़ दे रहा है ना, ऐसा मुंडी हिला रही है। तो भाई अभी ये पहाड़ की नगरी में अभी हम उसको अलविदा कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी मजा आएगा यार। अभी नेक्स्ट राइड कब बनेगी यार मालूम नहीं है। जो नेक्स्ट ट्रिप बनने वाली है ना वो हम जाएंगे फोर व्हील लेके, देखते हैं। अभी आपको ना हिंट दे दिया है, अगर आपको जानना है ना तो आगे के वीडियो देख लेना, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। चालू है वीडियो, इधर आ जाना। अच्छा। इसको पसंद आई तो आपको भी पसंद आएगा ये वीडियो, तो लाइक कर दीजिए और कुछ बोलो। लाइक करें, फॉलो करें, फॉलो नहीं सब्सक्राइब करिए। फॉलो क्यों ना करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इसमें सब्सक्राइब है ना। अभी तक का सबसे अच्छा राइड कौन सा रहा? मेरा तो सब अच्छा ही रहता है। इधर गाइस बाइक और ये सब बहुत बड़े बहुत खराब कर रहे हैं, बोला वहाँ का भी यारा काटवानी होगी। मजा आ गई आम खा के। सो गाइस ये आम है बहुत ही अच्छा, कौन सा आम है अंकल ये? अपनी मुकी दे पछि मदी उठाई देओ वीडियो ले। ये ऊपर से इधर से तोड़ देते थे क्या? ये आपका आम है ये? ऐसे ना ऐसे झाड़ है, ऐसा झाड़ है आगे। अच्छा बहुत अच्छे है अंकल आम, सब आम खा रहे हैं गाइस देखो ना। ये 4 दिन से नहीं खाए थे आम, उसको पसंद है आम खाना, और मेरे को बोला अभी आ गए तो उसके लिए रुकाई है गाड़ी, और बोल रही है कि तुम मेरा केयर नहीं करते हैं। तो मेरी केयर नहीं करता, ऐसा नहीं करने का। देखो ये आपको व्यू दिख रहा हूँ, अच्छा ओके है ये। गाइस
गाइस वो व्यू देखिए भाई साहब, कहाँ जवानू जा अपने नीचे, वहाँ जाना है हमको, इधर से वहाँ जाना है जीजा जी। गाइस उनको शौक है ना, एक्चुअली उनको शौक है ना, सीजन में खेलते हैं ये, क्रिकेटर है ये, अपने क्या विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देंगे, बहुत ही चौके छक्के नहीं खेलते, खेल लेते थोड़ा बहुत सीजन में, खेलने की बात भी कोई ऐसा वैसा बात नहीं है भाई, बहुत है हार्ड है, उसके एक बॉल पड़ने में आदमी पड़ जाता है लगता है तो बहुत चोट लगती है, लाल डब्बा गिर जाता है, वाई पी सक करती है, कुछ ना काटा है या फिर बॉल लगा। और कल आप बता रहे थे कि टाइमिंग का, और ए ब्लॉक बी ब्लॉक क्या उसका, त्र्यंबकेश्वर में जाए तो ए फोर से स्टार्ट हो तो आपको समझ लेने का 6 घंटा होगा, और आरती के समय पे जाओगे एक ब्लॉक में 1 घंटा कम से कम पकड़ के चलो, उधर बी फोर से स्टार्ट होता है, बी फोर बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, बाद में चालू होगा ए फोर ए थ्री ए टू ए वन, और ए वन के बाद भी आधा घंटे की और लाइन रहेगी, बाद में आप पहुंचोगे मंदिर के मेन कुंड में, तो आप कौन सी लाइन में हो उसके हिसाब से आप टाइम पकड़ के चलो, जब टाइम कम हो तो आपको एक ब्लॉक का 1 घंटा पकड़ के चलना रहेगा, और लास्ट में आधा घंटा प्लस में। बराबर, कितना घंटे लगे वो तो बोला हमको हमको 5 घंटा लगे, हम बी फोर में थे, बी फोर में 1 घंटा निकाला, फिर ए फोर में गए, फिर ए थ्री में गए, ए टू में गए, ए वन में गए, हर एक जगह पे 1-1 घंटा निकाला, बाद में 8.5 घंटा और लाइन में रहे, 5.5 घंटे बाद दर्शन हुआ। अगर आपको दर्शन करना है ना गाइस, तो सुबह से जा लेना, कम से कम पकड़ के चलो, सुबह में ही रखना है दर्शन त्र्यंबकेश्वर में, शाम को आए के तो स्टे ही ले लेना, बाकी और वीआईपी में भी जाओगे तो वीआईपी में भी है, लाइन तो रहती है 2-3 घंटा, उसमें 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। ओके गाइस, तो भी आम का एंजॉय करके आपको बाद में मिलता हूँ बाइक पे, ये हमारे जीजा जी है भाई, मजा आ गई, मजा आ गया तो बस, तो फिर अभी डायरेक्ट ये वाली छोटी वीडियो रहेगी बस, फाइट हुआ हम जहाँ खाना खाने रुकेंगे ना वहाँ पे वीडियो एंड कर देंगे, देखते हैं क्या करते हो। ओके तो आ जाइए आम खाने के लिए, आम खाने हो तो आ जाइए इधर, ओ माय गॉड, दो दे नहीं नहीं ये तो अच्छा, ये मिट्टी अच्छी है गाइस, ये मिट्टी देखो अच्छी मिट्टी है, ये मिट्टी से हम हाथ धोते थे पहले, आ जाइए। बहुत मस्त व्यू है जीजा जी, आप आ गए व्यू में, फोटो नहीं वीडियो आ गया आपका, वीडियो आ गया, वेरी गुड, एक नंबर व्यू, ये भाई YouTube में जैसे नहीं है ना वीडियो, देखो उसमें से खींच ले स्क्रीनशॉट, एक्शन पोज दे दो, पोज दे दो शाहरुख खान वाला पोज, तू 1-1 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे राइट लेफ्ट है ना, कदा केना वो करा दे गियर बॉक्स का ऑफ रोड में भी गाड़ी चलाते हुए, बहुत ही खराब रोड है भाई साहब, माय गॉड,
गाइस बहुत खतरनाक है भाई। इतना लोडेड लेके ये वाला रास्ता नहीं कर सकते। अच्छा वो अपनी एनएसए ना ये चढ़ जाती है, नहीं तो भाई साहब बोला ना स्प्लेंडर को, स्प्लेंडर भी चढ़ ही जाती है सर, आना चाहिए चढ़ाने के। जीजा जी एडवेंचर, फुल एडवेंचर है। गुजरात की हट शुरू अभी। हाँ अभी अच्छा है गाइस, ये अभी हाँ ये रोड है। ये सो गाइस अभी हमें ना गुजरात में एंटर हो चुके हैं। ओह माय गॉड, रास्ता तो भाई साहब था यार, ऐसा रास्ता तो लद्दाख में भी नहीं देखा मैंने।
चल पाँचो ले लेना चल ली सो ओके गाइस बस तो फिर अभी घर पे पहुंच गए तो जीजा जी है ना आते रास्ते पे ही डायरेक्ट बेसमा से हम आ गए और जीजा जी डायरेक्ट अंकलेश्वर निकल गए। दो दिन के बाद फिर से दोहरा है तो मिलते हैं अभी जीजा जी आ जाएंगे। तो ओके गाइस बस तो फिर इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। सो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग्स में। प्लीज़ सेफ राइड सेफ ड्राइव लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइस यस पीस आउट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग्स में गाइस। अभी देखते हैं अभी दो दिन का वीडियो बाकी है तो एडिट वेडिट करके सब तैयार कर दूंगा। तो मस्त राइड हो गई गाइस मज़ा आ गया भाई साहब। वो जो लास्ट वाला रोड था ना तो भाई साहब क्या बोलूँ वो रास्ता तो है ना लद्दाख से भी खतरनाक था ऐसा मालूम पड़ा। क्योंकि है ना वो लद्दाख का रास्ता तो अच्छा था इधर है ना ऑफ रोड में ढलान चढ़ना था तो बहुत ही हार्ड हो गया गाइस। ओके चलो अभी बहुत बातें नहीं करते तो मिलते हैं कल। कल नहीं मिलेंगे अभी सब दो दिन का वीडियो एडिट करके डायरेक्ट जो हम नेक्स्ट ट्रिप जाने वाले हैं ना उसमें मिलेंगे। आ जाइए मजा आएगा। चलो टाटा टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टाटा बाय बाय सी यू। तो मिलते हैं दो तीन दिन के बाद। हाँ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल गाइस यस।